तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक एस सी वर्मा का अच्छा सा क्वेश्चन है। कहता है एक हेमी स्पेरिकल बाउल है जिसका रेडियस आर है, रोटेट अबाउट एक्सिस विच इज केप्ट वर्टिकली। स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट इन द बॉल एट द पोजिशन एट एंगल थीटा विद वर्टिकल। ब्लॉक रोटेट, ठीक है, बॉल विदाउट एनी स्लिपिंग। देखो स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब ब्लॉक रेस्ट में है। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड बॉल इज म्यू। यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशियंट म्यू प्रेजेंट है और रेडियस आर है, एंगल थीटा है। फाइंड द रेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर विच ब्लॉक डज नॉट स्लिप। देखो अब देखो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग कहानी। ओमेगा की वैल्यू निकालो, ओमेगा का एक रेंज निकालो, ओमेगा का एक रेंज को ब्लॉक जो है वो रेस्ट में रहे। तो इमेजिन करो कि यहाँ से अगर ये ओमेगा से घूम रहा, देखो ओमेगा बहुत कम होगा, ठीक है, मान लो ओमेगा जीरो होगा। तो अगर यहाँ ब्लॉक रखोगे तो ये ब्लॉक की जो स्लिपिंग की टेंडेंसी वो नीचे है, ब्लॉक इधर नीचे आना चाहेगा भाई। ब्लॉक अगर देखोगे ओमेगा कम होगा तो ब्लॉक इधर आना चाहेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे वैसे वैसे जो फ्रिक्शन है, और एक ऐसा समय आ जाएगा, ठीक है, एक ऐसा समय आ जाएगा कि ये जो ब्लॉक है बहुत ज़्यादा ओमेगा बढ़ाओगे तो ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करने लगेगा, तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में लगने लगेगा। बात समझ में आया? तो ये जो स्टोरी है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। शुरू शुरू में ब्लॉक की टेंडेंसी या मोशन डाउनवर्ड है, तो फ्री, ठीक है, इधर आना चाहता है ब्लॉक, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा कम है। और ओमेगा और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे तो ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करने लगेगा और फ्रिक्शन नीचे लगने लगेगा। तो यहाँ पर जो ब्लॉक है, यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पे, तो फ्रिक्शन की दो डायरेक्शन है। एक खास ओमेगा वन के लिए ब्लॉक की स्लिपिंग की टेंडेंसी नीचे है तो फ्रिक्शन एफ वन ऊपर आ रहा है। और दूसरा अगर देखोगे यहाँ, दूसरे केस में देखोगे और ज़्यादा ओमेगा बढ़ाओगे तो स्लिपिंग की टेंडेंसी ऊपर है, फ्रिक्शन नीचे आएगा एफ टू। तो वही हमें रेंज निकालना है। तो ये मैं तो आपको समझाने के लिए इतना कर दिया, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को जब भी मैं IIT JEE के अच्छे बैच को कराता हूँ तो मैं ये पूछता हूँ कि एक ब्लॉक रखा हुआ है बाउल में, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो कोई भी बच्चा इसका सही जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ओमेगा डिसाइड करेगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट में ओमेगा इज लेस, ओमेगा कम है और ब्लॉक की जो स्लीपिंग टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड ब्लॉक नीचे आना चाहता है, तो फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड, फ्रिक्शन बच्चों ऊपर लगेगा। ये बात सबको समझ में आ गया होगा। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से फोर्स है। जब बॉल रोटेट करेगा तो ये पूरी की पूरी ब्लॉक ऐसे सर्कल में मूव करेगी और इस सर्कल की रेडियस आर है और ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वाली जो लाइन है दैट इज वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे हॉरिजेंटल वाली लाइन है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे हॉरिजेंटल वाली लाइन है, तो ये हॉरिजेंटल हो गया और वर्टिकल। और ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंशियल लाइन है, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है वो नॉर्मल सेंटर की तरफ जाने वाली लाइन है। तो ये सारी लाइन है। अब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सबसे पहले फोर्स देखो, रियल फोर्स को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले नॉर्मल आएगा, इधर आएगा सेंटर की तरफ, ये रियल फोर्स, ठीक है। वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, ये दिस इज द वेट एम जी, और स्लीपिंग टेंडेंसी डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड। तो फ्रिक्शन को मैं रेड कलर से बना देता हूँ, तो फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, फ्रिक्शन ये। तो इस ब्लॉक पे अगर तुम ग्राउंड से देखोगे, ग्राउंड से अगर ऑब्जर्व करोगे
तो कुल मिला के तीन रियल फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन? फ्रिक्शन, नॉर्मल और एमजी। ठीक है, अब देखो जब सर्कुलर मोशन हो रहा प्यारे बच्चों, तो सभी फोर्स ना सर्कल के सर्कुलर मोशन होता है, तो जो भी फोर्स लगता है तो वो सारे इस लाइन में सेंटर सर्कल के प्लेन में और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो इस लाइन में आने चाहिए, इस लाइन में और इस लाइन में आने चाहिए। तो देखो मुझे एम जी का रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एम जी ऑलरेडी इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मुझे नॉर्मल और फ्रिक्शन को रिजॉल्व करना पड़ेगा यहाँ, फ्रिक्शन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल का रिजोल्यूशन करूँ, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ध्यान से देखना नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट ऊपर जाएगा जो होगा एन कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड, और नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट सर्कल के सेंटर तिरा है जो एन साइन थीटा होगा। ठीक है, और इसी तरह से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का एक अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो फ्रिक्शन का एक कॉम्पोनेंट सेंटर के अपोजिट आएगा एफ कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट फ्रिक्शन का एन कॉस थीटा की डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज इसकी वैल्यू होगी एफ साइन थीटा। तो ये एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। अब अगर देखोगे तो इस पार्टिकल पे कुल मिला के ऐसे फोर्स लग रहे होंगे, ये पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, ये सर्कल है, ये रेडियस भी नहीं हमें पता है, तो इस रेडियस को मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये एंगल जो है वो थीटा था। तो अगर ये थीटा था, ये रेडियस आर था, तो ये 90 है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर साइन थीटा आ जाएगा, ये वाला। और अगर फोर्स की बात करोगे प्यारे बच्चों यहाँ से, तो फोर्स जो है वो ये नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आया एन साइन थीटा, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा एन कॉस थीटा। फ्रिक्स एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, और इसके अलावा फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा एफ कॉस थीटा, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा एफ साइन थीटा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, सारे फोर्स सर्कल और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर आ गए। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे प्यारे बच्चों, तो सेंटीपीटल का इक्वेशन क्या होता? सेंटीपीटल होता नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर एम बी स्क्वायर ओवर स्मॉल आर, ठीक है, या एम आर ओमेगा का स्क्वायर सेंटीपीटल का इक्वेशन बनेगा एन साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन एफ कॉस थीटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा अगर इक्वेशन लिखना चाहोगे इसमें, तो वर्टिकल में देखो एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? वेट एम जी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ, ठीक है, तो मुझे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से एन कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन को मैं लिख सकता हूँ म्यू एन साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू वेट एम जी। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू मुझे डायरेक्ट दिखेगी, तो नॉर्मल की जो वैल्यू दिखेगी एन इक्वल टू वो आ जाएगी एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो दिस इज नथिंग, इट इज़ द बेसिकली नॉर्मल हमें कैलकुलेशन में मिल गया। तो अगर नॉर्मल मिल गया तो दूसरे इक्वेशन का यूज करते हैं हम लोग। तो दूसरा इक्वेशन क्या था अपना, देखो, तो दूसरा इक्वेशन सेंट्रीपिटल वाला था, तो सेंट्रीपिटल वाला मैं यूज करने जा रहा हूँ, अच्छे से समझना। तो सेंट्रीपिटल वाला बाय सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन अगर देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा एन साइन थीटा और माइनस फ्रिक्शन को मैं म्यू एन लिख सकता हूँ, और कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से नॉर्मल अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से हमें ओमेगा चाहिए, तो नॉर्मल एन साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा, तो नॉर्मल की वैल्यू डाल देता हूँ, तो यह आ जाएगा एम जी, और ये साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, पुट द नॉर्मल हियर, और ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों
एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली जो ओमेगा की वैल्यू दे यहाँ से जो दिखेगी तो वो मुझे ये इतनी होगी, और मैं उसको लिखता हूँ तो फाइनल जो ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इसको मैं ओमेगा वन नाम दे देता हूँ, अपान एम आर की वैल्यू डाल दो, इस आर ये आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल आर साइन थीटा, तो एम कैपिटल आर साइन थीटा और मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये वाली चीज़ ये सब कुछ अंडर रूट रहेगा, दिस इज़ द ओमेगा फर्स्ट। तो ये पहली ओमेगा है जब ब्लॉक की जो इंटेंशन और मोशन है वो, हाँ ये जो फर्स्ट ओमेगा है जब ब्लॉक नीचे आना चाहता है और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इसको एम से एम काट दो, एम कैंसिल हो रहा है तो वी कैन कट इट। तो फाइनली ये ओमेगा हमें मिलेगा इतना, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और कैपिटल आर साइन थीटा, कैपिटल आर यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू। अब केस टू में अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ाओगे तो एक ऐसा समय आ ही जाएगा, ठीक है ना, जब ब्लॉक की जो मोशन है एक ऐसा समय आ जाएगा जब ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करने लगेगा, उस वक्त जो फ्रिक्स जो ब्लॉक यहाँ पर था, देखना अच्छे से समझना, तो यहाँ से जो ब्लॉक यहाँ पे था उस वक्त ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहता भाई, तो ये अगर ब्लॉक ऊपर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन यहाँ से नीचे आ जाएगा भाई, फ्रिक्शन अगर नीचे आ जाएगा इस वक्त ये वाली जो है वो ओमेगा टू है। तो ओमेगा टू, तो देखो एक अच्छा सा ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक को याद रखो, अगर एक ही सरफेस पे ऐसा सरफेस है, कोई भी सरफेस है, इस सरफेस पे अगर केस फर्स्ट में फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था तो, और दूसरे केस में फ्रिक्शन नीचे लगने लगा, तो जो फर्स्ट केस का जो डेरिवेशन है म्यू, तो दूसरे केस में रख दो माइनस म्यू, तो दूसरा वाला केस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा पावरफुल ट्रिक है, यू मस्ट रिमेम्बर, अदरवाइज क्या करोगे आप, दोबारा गधा मजदूरी करो, ठीक है, फिर से वही इक्वेशन सॉल्व करो, फिर नॉर्मल लिखो, फिर रिजॉल्व करो। तो जो पहला ओमेगा आया था, तो अब बहुत ज़्यादा ओमेगा बढ़ाओगे तो ये ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इंटेंशन और मोशन अपवर्ड हो जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे आएगा। तो ओमेगा टू जो एक्सप्रेशन ये आया था तो इसमें मैं डायरेक्ट रख दूंगा, तो ओमेगा टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी साइन थीटा और माइनस म्यू साइन थीटा, तो माइनस रखोगे तो प्लस म्यू यहाँ से कॉस थीटा, ठीक है, और डिवाइड कर दूँ आर साइन थीटा और कॉस थीटा और प्लस म्यू साइन थीटा था तो माइनस म्यू साइन थीटा आ जाएगा, और ये सब कुछ अंडर रूट। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। तो इन्होंने पूछा था ओमेगा का रेंज, तो फाइनली अगर ओमेगा का रेंज देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू जो है ब्लॉक रेस्ट में रहे तो ओमेगा वन से कम होना चाहिए, ब्लॉक एट रेस्ट, ब्लॉक एट रेस्ट स्लीपिंग नहीं कर रहा है, तो ये वाली जो चीज़ है वो होल्ड होनी चाहिए, ये इनइक्वलिटी होल्ड होगा। तो यहाँ से अब ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी, पहले पहले केस में हम जब सॉल्व किए थे वो था जी साइन थीटा और माइनस, ठीक है, म्यू कॉस थीटा, और ये वाली जो चीज़ है डिवाइड कर दिया जाए कैपिटल आर साइन थीटा से और यहाँ से कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये वाली चीज़। तो यहाँ से ये अंडर रूट था, ओमेगा की वैल्यू इससे कम, या जो ओमेगा टू आया था तो ओमेगा टू इसमें रिप्लेस कर दो भाई, इस वाले में रिप्लेस कर दो माइनस म्यू को, म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और डिवाइड कर दिया जाए कैपिटल आर साइन थीटा और यह आ जाएगा कॉस थीटा और ये माइनस म्यू साइन थीटा, ये सब कुछ किसके अंडर रहेगा, तो ये सब कुछ अंडर रूट रहेगा। तो दिस इज़ द फाइनल लेंथी एक्सप्रेशन इस ओमेगा रेंज के लिए, ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरे चैनल के साथ बने रहो और ऐसे ही बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए।
मैं आपको बताता रहूंगा।